हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपना मेडिकल टिप्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोबेट जीएम क्रीम के बारे में कि लोबेट जीएम क्रीम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किस स्थिति में इसे लगाया जाता है और कितनी मात्रा में इसे लगाया जाता है और क्या ये क्रीम चेहरे को गोरा भी बनाती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको स्वास्थ्य से संबंधित या दवाइयों से संबंधित जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं इसमें कॉम्पोजिशन है क्लोबेटासोल, प्रोपियोनेट, नियोमाइसिन सल्फेट एंड माइकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम, जो कि इसको एबोट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड मार्केटिंग करती है, जो कि ये क्रीम बहुत मार्केट में चर्चित है और फेमस है। और फेमस क्यों ना हो, इस क्रीम को ज्यादा मात्रा में लोग दाद, खाद, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस या स्किन के किसी भी बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लोबेट जीएम क्रीम जो कि 20 ग्राम की पैकिंग में आता है और इसका MRP 139.64 रुपये है, जो कि हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, इस क्रीम को लोग अपने चेहरे पर कितने लोग लगाते हैं चेहरे को गोरे बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा, इस क्रीम को चेहरे पर गोरे होने के लिए ना लगाएं। ये सिर्फ दाद, खाद, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस, फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का खुजली हो तो इस क्रीम को उस जगह पर यूज कर सकते हैं। बहुत बेस्ट काम करता है। क्या करते हैं लोगों की अपने चेहरे को गोरे बनाने के लिए इस क्रीम को यूज करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहूंगा कि इस क्रीम को अपने चेहरे पर गोरे होने के लिए ना लगाएं। अगर चेहरे पर लगाना है तो उसी समय तक लगाएं जब तक कि आपके चेहरे पर दांत, खाद, खुजली हो, एक्जिमा, फोड़े फुंसी हो, तो उस समय अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। वो भी उसी एरिया में लगाए जिस एरिया में आपके चेहरे पर हो। तो दोस्तों, अगर चेहरे पर लगाना है तो इसलिए लगा सकते हैं, या किसी वजह से आपके चेहरे पर डार्क सर्कल हो गया हो, या किसी वजह से दाग हो गया हो, या काले दाग हो गया हो, तो उस जगह पर आप लगा सकते हैं। ये बहुत बेस्ट काम करता है, किसी भी तरह के संक्रमण को या फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। तो दोस्तों, इस क्रीम को लगाना होगा तो सबसे पहले उस एरिया को साफ कर लेना है, धो लेना है, पोंछ लेना है, फिर उस इफेक्टिव एरिया पर जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है उस एरिया पर धीरे धीरे अपने हाथों से लगा लेना है और दिन में 2 से 3 बार इसे लगा सकते हैं। और किसी किसी को साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि खुजली हो सकती है, रेडनेस आ सकते हैं, लाल चकते हो सकते हैं, तो इस क्रीम को लगाना बंद कर दें और नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।